Yes, आज हम करेंगे एनालिटिक फंक्शन बिल्कुल जैसे हम डिफरेंट हम पिछली बार भी पढ़ चुके हैं डिफ्रेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी uh, तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स फंक्शन में पाथ पर निर्भर करती है तो अब हम करने जा रहे हैं कि सबसे पहले कि हमारे एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन की डेफिनेशन या परिभाषा मान लीजिए कि एफ जेड किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में एक डिफाइंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन है डब्लू इज इक्वल टू एफ जेड तो एफ जेड कॉम्प्लेक्स डोमेन डी के किसी भी पॉइंट जेड जीरो पर एनालिटिक होगा यदि पहली कंडीशन एफ जेड पॉइंट जेड जीरो पर डिफ्रेंशियबल हो और साथ में एफ़ जेड जेड जीरो की नेबरहुड में में प्रत्येक पॉइंट पर भी डिफ्रेंशियबल हो जब हम एफ जेड की एफ <coughs> जेड के लिए जेड जीरो की नेबरहुड लेते हैं तो वह एक डोमेन आएगा मतलब हमारे पास जैसे कि रियल एनालिसिस में जब हम नेबरहुड लेते हैं तो वह रियल लाइन के उस पॉइंट की दोनों तरफ होती है लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लेन है तो जेड प्लेन में हमारे पास एक डोमेन जेड जीरो की नेबरहुड आएगी तो हम चाहते हैं जेड जीरो की प्रत्य नेबरहुड के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी तभी वो फंक्शन एनालिटिक कहलाता है यदि एफ जेड डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये एनालिटिक कहलाएगा जैसे अपन ने पिछली बार जो मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था एफ़ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर तो वो जेड इज इक्वल टू जीरो के अलावा कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं था मैंने पूरा आपको उसको डिफरेंशिएशन करके दिखाया था इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं है सिमिलरली मान लीजिए हमने एफ़ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू लिया तो क्लियर है कि जेड इज इक्वल टू टू पर यह भी जेड इज इक्वल टू टू पर तो एनालटिक नहीं है इसके अलावा ये एनालाइटिक है अब मान लीजिए हमने एक आ, सिंपल फंक्शन लिया जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस फोर वन तो ये हमें क्योंकि एल्ज्रिक मतलब हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस वन है एफ जेड तो ये हर जगह एनालिटिक होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के विश्लेषिक होने के लिए जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एफ जेड है के वैश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध हमने सबसे पहले लिया कि जो हमारा फंक्शन एफ जेड है वो मान लीजिए कि जो w इज इक्वल टू एफ जेड वो है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि e टू हमने z ले लिया तो हम ई टू द पावर जेड में जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई खोलेंगे तो ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर आयोटा वाई तो हमारे पास जो यू और वी आएंगे वो एक्स वाई के फंक्शन आएंगे तो हमने कहा कि मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन में एनालिटिक है और उनके पार्शल डेरिवेटिव्स सभी एग्जिस्ट करते हैं पार्शल डेरिवेटिव्स क्या क्या हो जाएंगे डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल वी डेल वी बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई तब यदि डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ये कहलाती हैं कौशी दिमान इक्वेशन तो हमारी थ्योरम यह है कि यदि फंक्शन एनालाइटिक है तो कौशीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं अब हमने मान लिया कि हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन में किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में एनालिटिक है तो यदि एनालिटिक है तो हमारे एनालिटिक की डेफिनेशन से हमारे पास क्या होना चाहिए एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डी एल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डी जेड जिसको मैंने इक्वेशन वन कहा है ये एग्जिस्ट करती है और किसी भी पाथ के अलोंग इसका मान यूनिक है मतलब हम डी एल जेड टेंस टू जीरो यानी जो जीरो कर रहे हैं तो हम जेड प्लस डी जेड से जेड की तरफ आ रहे हैं इसका मतलब डी एल जेड टेंस टू जीरो तो हम किसी भी पाथ से आ, हम जेड प्लस डी जेड से जेड की तरफ आएँ तो हमारा ये जो एफ डैश जेड है वो यूनिक होना चाहिए उसका मान सेम आना चाहिए हर पाथ पर अब इक्वेशन नंबर वन से हमारे पास एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो मैंने इसको खोल दिया एफ जेड प्लस डी जेड को तो ये क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डी वाई और प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डी वाई माइनस एफ जेड इज यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई क्योंकि नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव साइन आ गए मैंने एरो से इसको ऊपर लिखा है अपॉन डेल जेड का मतलब डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई बिकॉज जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई डेल जेड इज डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई मैंने इसमें से माइनस यू एक्स वाई ले लिया प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई यानि हमने यू एक साथ ले लिया और वी एक साथ ले लिया कलेक्ट कर लिया यू एक्स वाई प्लस आयोटा डेल वाई अब हमने इन दोनों को भी अलग अलग कर दिया तो लिमिट नेक्स्ट स्टेप में लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डे एल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई और इस पूरी को मैंने इक्वेशन नंबर टू दिया है सबसे पहले हमने मान लिया कि डेल जेड टेंड्स टू जीरो जो है वो अलोंग हम रियल एक्सेस चल रहे हैं तो रियल एक्सेस पर हमारे पास हमेशा क्या होता है डेल वाई जीरो होता है तो जब डेल जेड टेंड्स टू जीरो अलोंग रियल एक्सेस तो या अलोंग एक्स एक्सेस तो हमारे पास आ जाएगा डेल वाई टेंस टू डेल वाई इज इक्वल टू जीरो यदि डेल वाई जीरो है तो इक्वेशन नंबर टू से एवडेस जेड हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो तो डेल जेड टेंस टू जीरो बट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा और क्योंकि डेल वाई ख़त्म ही हो गया तो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स जो इक्वेशन नंबर टू थी उसमें डेल जेड तो बन गया डेल एक्स और जितना भी डेल वाई है हमने उसको जीरो रख दिया तो अब क्लियर दिखाई दे रहा है यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स में चेंज है तो डेल यू बाई डेल एक्स और जो सेकेंड टर्म है उसमें वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी एक्स वाई तो ये क्या हो जाएगा डेल वी डेल एक्स तो एफड एस जेड जो हमारे पास आ गया वो आ गया डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी बाई डेल एक्स ये दिस इज इक्वेशन नंबर ए अब हमने सेकंड केस में मान लिया कि जो हमारा डेल जेड टेंस टू जीरो है वो वो अलोंग वाई एक्सेस है इमेजनरी एक्सेस है तो इमेजनरी एक्सेस पे क्या हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो तो हमारे पास यही जो टर्म पहले जो हमने इक्वेशन नंबर टू ली थी उसमें अब हमने सारी जगह डील एक्स डील एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो कितना हो जाएगा एफ डैस जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू क्योंकि डेल एक्स जीरो है तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा वाई आयोटा डेल्टा वाई डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो आयोटा डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो दैट मीन्स डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो और हमारे पास हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई इक्वेशन नंबर टू की हेल्प ले रहे हैं और उसी में हम ये जो इक्वेशन नंबर टू थी इसी में हम रख रहे हैं डेल वाई इज इक्वल टू सॉरी डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ डे जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन आयोटा डेल वाई प्लस वी एक्स वाई प्लस डी एल वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल वाई अब देखिए इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा क्लियर है वाई में चेंज हो रहा है तो पहली टर्म हमारे पास हो गई आ, क्योंकि नीचे आयोटा है तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस का डी एल वी बाय डील वाई से दिस इज इक्वेशन नंबर बी अब क्योंकि हम जानते हैं कि एफ डैश जेड हर जेड के लिए एग्जिस्ट करता है इसलिए इक्वेशन ए और बी से क्लियरली डेल यू बाय डेल एक्स डेल्यू बाय डेल वाई डेल बी बाय डेल एक्स डेल बी बाय डेल वाई सभी एग्जिस्ट करते हैं होने चाहिए तो क्योंकि किसी भी पाथ के अलोंग एफ डैश जेड यूनिक है इसलिए इक्वेशन नंबर ए और बी से क्या हो जाएगा डेल्यू बाय डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल बी बाय डेल वाई हमने इसमें रियल पार्ट बराबर कर दिया तो डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल एक्स ये कौशी डिमान इक्वेशन है और यही कंडीशन है कि यदि हमारा फंक्शन एनालैटिक है तो वो कौशी डिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सफिशियन कंडीशन के लिए जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे